इन फ्रॉम द हसीन वादियाँ ऑफ लद्दाख। अभी बजे हैं सुबह के अराउंड 6:45 और मैं जा रहा हूँ टैक्सी स्टैंड में, लद्दाख का जो मेन मार्केट के पास में टैक्सी स्टैंड है वहाँ पे टैक्सी का पता करने के लिए। बताऊँगा आपको आज का क्या प्लान है हमारा, और आई एम श्योर यू गाइज आर डूइंग वेरी वेल। और मेरा नाम है नरेश कुमार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बैकपैकर नरेश। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ट्रैवल वीडियोस बनाता रहता हूँ और इस समय मैं हूँ लद्दाख में। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ टैक्सी स्टैंड पे क्या चार्जेस हैं, क्या रेट हैं, कहाँ का क्या पैकेज का कैसा है। चलिए सो गाइस ये है, सीधा जाएंगे तो लद्दाख का मेन मार्केट। यहाँ से आप राइट को टर्न लेंगे तो सामने जो आपको कुछ गाड़ियाँ खड़ी दिखाई दे रही हैं इको, ये है आप लद्दाख का मेन टैक्सी स्टैंड। देखिए सुबह सुबह सामने अगर आपको दिख रहा हो ये बर्फ के पहाड़ हैं, गाइस अमेजिंग व्यूज। चलिए बात करते हैं। सो गाइस मैंने बात कर ली है टैक्सी स्टैंड पे जाके, उनका वीडियो मैं रिकॉर्ड करना ठीक नहीं लग रहा था इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग नहीं करी। मैं आपको सारी डिटेल अब बता देता हूँ। देखिए अभी यहाँ पे कैसे ये पैकेज बना के रखते हैं, अगर अभी आप लेह में हो, लेह से आपको जाना है नुब्रा वैली, तो नुब्रा वैली जाने का यहाँ से लेह से आपको मिनिमम 4 घंटे लग जाएंगे वाया खारदुंगला। खारदुंगला में आप 10 से 15 मिनट 15-20 मिनट रुकेंगे और उसके बाद भी नज़ारे काफ़ी अच्छे हैं। तो नुब्रा वैली आप जाते हैं, वहाँ पर एक नाइट स्टे करते हैं, नेक्स्ट डे आप वहाँ से जाएंगे पेंगोंग लेक, और पेंगोंग लेक से फिर शाम को आप वापस ले आ जाएंगे। तो ये जो आइटनरी है इसका चार्जेस है इको का, इको की जो गाड़ी है उसका है 14,800। मैंने टैक्सी यूनियन का जो रेट लिस्ट है उसकी फ़ोटो खींच ली है, वो मैं डाल दूंगा यहाँ पे रेट लिस्ट की। तो 14,800 है तो 14,000 तक में वो चले जाते हैं। सो अगर आपको इसमें मॉडिफाई करवाना है आइटनरी में, पेंगोंग को आपको स्किप करना है और सिर्फ नुब्रा जाना है। नुब्रा जाएंगे तो स्टे करना पड़ेगा, क्योंकि जाके अगर आप आओगे तो वो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, आप इंजॉय भी नहीं कर पाओगे। तो आप जाओगे तो रुको वहाँ पे। तो अगर आप यहाँ से लेह से जाओगे नुब्रा, और नुब्रा में आप स्टे करोगे और अगले दिन आप वापस आओगे लेह, तो उसका जो चार्जेस है अगेन ईगो गाड़ी का वो है 9,200। और बार्गेनिंग ये लोग करते नहीं गाइस, 200-300 रुपये का होगा कर देंगे, बट पता नहीं बार्गेनिंग करते नहीं ये लोग। तो अब देखते हैं, मैं वापस होटल में जाके डिस्कस करता हूँ और हम कहाँ जाते हैं। कहीं भी जाएंगे तो होटल का चेकआउट का टाइम 10 बजे का है और अभी हमारा सामान भी सारा फैला हुआ है, तो जल्दी से जाके सामान पैक करके 10-10:30 बजे तक चेकआउट करना है, ब्रेकफास्ट करना है और उसके बाद देखते हैं कहाँ निकलना है, सिर्फ नुब्रा या नुब्रा पेंगोंग। लेट्स सी गाइस। सो हम लोग निकल गए हैं, टैक्सी हम लोग बुक कर ली है ले से, और थोड़ा सा हमें लेट हो गया निकलने में। तो हम लोग ले से निकले हैं करीब मॉर्निंग में 11:15 बजे और अब जा रहे हैं नुब्रा। बर्फ के पहाड़ भी दिख जाते हैं और ऊपर काले बादल तो यहाँ हमेशा ही रहते हैं, बारिश का कोई भरोसा नहीं रहता, इट्स वेरी अनसर्टेन, आई कांट प्रेडिक्ट। थोड़ी देर में धूप निकलती है, थोड़ी देर में बारिश हो जाती है ना भाई साहब। तो अभी हम लोग लेह से निकले हैं नुब्रा के लिए, तो अभी सबसे पहले बीच बीच में कुछ अच्छे पॉइंट्स भी पड़ते हैं ना। हाँ जी जी। तो सबसे पहले क्या पड़ेगा? सबसे पहले वो टॉप खारदुंगला टॉप पड़ेगा जी, जो अभी यहाँ से शायद हमें 1.5 घंटा लग जाएगा, डेढ़ घंटा लग जाएगा खारदुंगला टॉप में। और उसके बाद भी कुछ है क्या पॉइंट ऐसा? उसके बाद है ना वही तिस्किट मॉनेस्ट्री। अच्छा तिस्किट मॉनेस्ट्री है उसके बाद। ओके उसके बाद सेंट ड्यू और सेंट ड्यू। जी जी ओके। वो तो नुब्रा में ही आ गया? नुब्रा में। अच्छा वो नुब्रा में, रास्ते में वही है एक पॉइंट। अच्छा खारदुंगला में तो स्नो होगी इस समय? हाँ, नहीं होगा अभी, नहीं होगी नहीं।
नुब्रा में नहीं, ऐसे नहीं, नुब्रा में तो नहीं है लेकिन खारदुंगला में तो होगी शायद। वही खारदुंगला में होगी, स्नो की स्नो मिलेगी वहाँ पे, लेकिन नुब्रा में नहीं मिलेगी स्नो। नुब्रा में उतनी ज्यादा ठंड होती भी नहीं शायद, है ना? गर्मी होती है, नीचे है। अच्छा, खारदुंगला मतलब नुब्रा ज्यादा हाइट पे नहीं है? नुब्रा ज्यादा हाइट पे, वही खारदुंगला हाइट पे। खारदुंगला हाइट पे, उसके बाद फिर नीचे उतरना है। उसके बाद और इस तरह चलते चलते हम पहुंच गए खारदुंगला टॉप। हसीन वादियों के नज़ारे लेते लेते पता ही नहीं चला रास्ता कैसे कट गया। Guys, I'm in Khardungla and I met Mr. Arup Rocky. Mr. Arup? Rocky. Mr. Rocky. Inka YouTube channel is Missing Gears. I have subscribed this channel. And do subscribe this channel. Hello guys. Khardungla se hum aage hain. Lunch karne ke liye ruke hain. Is jagah ka naam hai South Pulu. Aur यहाँ पे लंच करके फिर हम आगे नुब्रा वैली के लिए निकलेंगे। तो लंच में मैंने लिया है ये वेज थुक्का, जो मैंने लेह में भी खाया था, लेकिन उसके लुक और इसके लुक में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, सो नॉट श्योर कैसा होगा वो। और ये है लेमन टी और साथ में ये चटनी है। तो खाते हैं और देखते हैं कैसा है। सिंपल है, ठीक ही है टेस्ट, बहुत उतना अच्छा नहीं है जितना दही में मुझे अच्छा लगा था ना, वही एक्सपेक्ट करा था मैंने, इसलिए ऑर्डर किया था, लेकिन ठीक ठाक ही है, बहुत सिंपल है, मतलब ठीक है।
गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 4:45 और हम लोग पहुँचे हैं अभी इस समय दीक्षित मॉनेस्ट्री में। बहुत ही काफ़ी ऊंचाई पर है ये दीक्षित मॉनेस्ट्री और यहाँ पर आने के लिए एंट्री फीस लगती है 30 रुपीज़। अभी देखते हैं तो दीक्षित मॉनेस्ट्री में आपका अंदर का नज़ारा मैं दिखाता हूँ। सो गाइज इस समय बज रहे हैं 6 और फाइनली हम लोग नुब्रा वैली पहुंच गए हैं और मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि नुब्रा वैली का नज़ारा कैसा है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं यहां पहली बार आया हूं। इससे पहले मैं जब लद्दाख आया था तो मैं सिर्फ खरदुंगला और पैंगोंग लेक गया था लेकिन नुब्रा वैली में नहीं कर पाया था। सो ऐसा कुछ है, यहाँ पीछे हमारी गाड़ी पार्क हुई है और ये यहाँ पे एक छोटा सा ऐसा है और ये पुल बना है, पुल से क्रॉस करके वहाँ जाना है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं। मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम अगेन फ्रॉम द हसीन वादियाँ ऑफ नुब्रा वैली। और हम लोग कल शाम को यहाँ पहुँच गए थे और उसके बाद हमने यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ करी, इन्जॉय किया और हम लोग ने नुब्रा वैली में स्टे किया। आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं ये सारे हम लोगों ने कैंपिंग करी है। कैंप में हम लोग रुके थे तो वैसे ये लोग 2 पर्सन का, अगर आप डिनर और ब्रेकफास्ट इंक्लूड वाला पैकेज लेते हैं तो अराउंड 2,500 रुपये ये लोग चार्ज करते हैं फॉर 2 पर्सन्स। और उसमें आपका डिनर इंक्लूड होता है, ब्रेकफास्ट इंक्लूड होता है। आप चाहे तो इसको स्किप करके सिर्फ स्टे का भी कर सकते हैं तो वो अराउंड 1500 आपको पड़ जाएगा। बट ठीक है, हमने डिनर एंड ब्रेकफास्ट के साथ लिया था एंड डिनर वाज ओके, अच्छा था। बुफे सिस्टम होता है,
9:30-9 बजे स्टार्ट होता है और 9:30 बजे तक का टाइम होता है लास्ट डिनर का। एंड ब्रेकफास्ट का टाइमिंग है सुबह मॉर्निंग में 7 बजे से लेकर 8:30 बजे तक आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। सो हमारी गाड़ी खड़ी हुई है वहाँ पे और यहाँ से अब हम निकलेंगे वापस लेह के लिए अराउंड 9:30 के आसपास। मैं आपको एक बार यहाँ से व्यू दिखा देता हूँ कि ये जो कैंपिंग है ये पूरा पहाड़ों के बीच में घिरा हुआ है। वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। तो गाइज लेट मी टेक यू थ्रू अ टूर ऑफ दिस कैंप। कैंप का छोटा सा टूर। दिस इज द इनसाइड व्यू। ये एक डबल बेड है। खिड़की This is your attached toilet. And this is me. यहाँ से थोड़ी सी हवा आ सकती है रात को but otherwise और कहीं से हवा नहीं आती आप देख सकते हो। तो हमें कोई ऐसी दिक्कत हुई नहीं रात को। हालांकि बाहर मौसम बहुत ठंडा था रात को लेकिन इनसाइड इट वाज फाइन। उतनी कोई दिक्कत नहीं हुई। हाय गाइस, सो जैसा मैंने बताया था कि हम लोगों ने कैंपिंग करी है यहाँ पे, तो इस कैंप का नाम है श्योक कैंप जहाँ पे हम लोग रुके थे नुब्रा वैली में कल रात को, जो मैं आपको बताया था मैंने। और अभी हम चेकआउट कर रहे हैं। सो मेरे साथ हैं मिस्टर धर्म पाजी, इनका नाम है धर्मेंद्र सिंह। श्योक कैंप में इन्होंने हमें बहुत ही अच्छी सर्विस दी और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ के। आई विल डेफिनेटली रिकमेंड एनीबॉडी टू कम हियर एंड स्टे बिकॉज यू विल गेट अ गुड सर्विस एंड फूड क्वालिटी वॉज वेरी गुड। वी हैड ब्रेकफास्ट ऑल्सो, आई मीन पराठा पोहा वगैरह बहुत अच्छा था। चाय की क्वालिटी वगैरह, खाना, सर्विस, वॉशरूम, कैंप, हाइजीन का भी बहुत ध्यान रखते हैं ये लोग। साफ सफाई बहुत है और यहाँ से नज़ारे तो औसम है, उसका तो पूछो ही मत, बहुत बढ़िया नज़ारे हैं। सो धर्म भाजी बहुत अच्छा लगा हमें आपसे मिलके। थैंक यू सर। सर ठीक है, सभी लोगों को बोलना चाहता हूँ कि हमारे सहयोग में प्लीज से प्लीज आए और यहाँ का नज़ारा देखें। यहाँ बहुत ही अच्छा जगह है घूमने के लिए। थैंक यू सो मच। तो कैंप से चेकआउट करके हम लोग निकल पड़े वापस लेह की ओर, लेकिन नुब्रा वैली जिसके लिए फेमस है वो तो रह ही गया था और वो है कैमल राइडिंग। हम लोग जिस दिन लेह से निकले थे शाम को हम नुब्रा वैली पहुँचे, उस दिन कैमल राइडिंग हम नहीं कर पाए थे क्योंकि उसके लिए बहुत ही ज़्यादा रश था। हमने कोशिश करी मगर हमें टिकट नहीं मिली, तो हमने सोचा कि कोई बात नहीं, आज यहीं रुकते हैं और अगली सुबह फिर से आएंगे। तो जब हम कैंप से चेकआउट करके निकले तो सबसे पहली चीज़ जो हमने करी वो थी कैमल राइडिंग। कैमल राइडिंग का प्राइस जो चार्जेस है वो है 300 पर पर्सन।
गाइस आई एम डूइंग कैमल राइडिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम सी और इस तरह चलते चलते हम पहुंच गए ले दोपहर के 3:30 बजे तक। ले पहुंचकर हमने होटल में चेक इन किया क्योंकि हमारे पास एक दिन और था लेह में बिताने के लिए, जिसमें हमने खूब शॉपिंग करी। दोस्तों, लद्दाख का ये सफ़र मुमकिन हुआ है आपके साथ की वजह से। बने रहिए इसी तरह मेरे साथ, मैं मिलूँगा आपसे ऐसे ही किसी दूसरे सफ़र में।